गदरपुर के गुरुद्वारा से गुल्लक चुराने वाले चोर को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 गुल्लक के साथ ही नगद रुपए और तमंचा भी बरामद किया। लोग जाते हैं गुरुद्वारा मन्नत मांगने, पर ये आरोपी गुरुद्वारा जाता था चोरी करने। मामला गदरपुर का है, जहां गदरपुर पुलिस से चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक में सवार 2 लोग पुलिस को देखकर घबरा गए और बाइक के साथ जमीन पर गिर गए। एक शख्स तो बाइक लेकर फरार हो गया, पर दूसरा शख्स पुलिस के हत्थे लग गया। जब पुलिस ने उससे पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछा तो शख्स ने चौंकाने वाला खुलासा कर बताया कि वो लगातार गुरुद्वारा में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। शख्स के पास से कुछ नगद रुपए, तमंचा और 3 गुल्लक भी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर आज जो है 84 मंदिर के पास में एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए टीम को, तो इनके द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक जो है मोटरसाइकिल के नीचे गिर गया और दूसरा आदमी तेजी से वो मोटरसाइकिल भगा करके ले गया। जो वहाँ पर व्यक्ति गिरा था उसको हमारी टीम के द्वारा घेरा गया और उससे जो है गहनता से पूछताछ की, तो जितनी भी ये गदरपुर क्षेत्र में गुल्लकों से चोरी हुई गुरुद्वारों में, सभी चोरियों को करने में उसका हाथ होना या उसका प्रयास होना उसके द्वारा जो है उसमें कबूला है। इसके पास से जो सगनिया में गुरुद्वारे से चोरी हुई है उसमें से 16,608 रुपया नगद और 1,178 रुपये के सिक्के और 4 जो है गुल्लक इसे बरामद हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।